हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों एक बार फिर से आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने बगीचे से। तो मैं अभी अपने खेत में आया हूँ, मैं सुबह 6 बजे आ गया था खेत में, तो सोचा क्यों ना अब आपके साथ और एक छोटी सी जानकारी शेयर की जाए। तो दोस्तों बने रहना आज के व्लॉग में, अंत तक ज़रूर देखें हमारी इस वीडियो को। बाकी मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ डेली जो हम मैं आपको जो वेदर दिखाता हूँ, वेदर रिपोर्ट किस तरह की है। तो आप देखिए, तो अभी तो धूप अच्छे से निकली नहीं है क्योंकि बादल वाला मौसम है, थोड़ी थोड़ी सी कहीं कहीं धूप निकली है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अपने खेत में आया हूँ। तो आज मैं देखिए, मेरे पास है कैंची, साथ में है मेरे पास एक ब्लेड। तो मैं इससे क्या काम करने कर रहा हूँ, तो कैंची से मैं जो हमारे पौधों के तनों के पास जो आसपास के जो शूट निकलते हैं, जो टहनियाँ निकलती है तनों के आसपास, उसको मैं कैंची से काट रहा हूँ। साथ में जो इस ब्लेड के से मैं जो हमने ग्राफ्टिंग की थी उसके जो पॉलीथीन है वो मैं काट रहा हूँ। तो मैं आपको छोटी सी और जानकारी दूंगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे कि आपके बगीचों में मैक्सिमम छोटे पौधों में के पास इस तरह के चारों तरफ से नीचे से टहनियाँ निकलती है, तो दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें तौलिया बनाकर इसको खोद कर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपना जो मैंने खुद से अपनाई है थ्योरी, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, तो आपको क्या करना है कि इसको खोद कर नहीं निकालना है, क्योंकि जितना आप इसमें जो हमारा तना होता है, जितना आप इसमें खोद कर निकालोगे और इसमें कट लगते रहेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर कट लगते हैं, यहाँ देखिए, जब भी हम खोदते हैं तो हमारे तनों के पास कट लगने शुरू हो जाते हैं कसी से, या किसी भी औजार से आप खोदने की कोशिश करते हैं कट लगने शुरू हो जाते हैं, उसी की वजह से ही हमारे यहाँ पर जगह जगह पर शूट निकलते हैं। तो आप इसको किस तरह से काटें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको ये करीब से काटना है क्योंकि ये देखिए इस तरह की बीमारी भी लग जाती है, ये देखिए, यदि आप टाइम से काटोगे नहीं तो इस तरह की बीमारी लगने शुरू हो जाएगी, ये देखिए, इसको स्केल कहते हैं, स्केल यहाँ पर लगने शुरू हो चुकी है। तो इसकी रोकथाम के लिए भी हम सर्च करेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो तनों में स्केल लग रही है उसके लिए भी मैं अलग से आपको वीडियो मेंशन करूँगा। तो ये देखिए, आप इस तरह से इसको चारों तरफ से काट लें, ये देखिए, ये आपके पौधे में ना चारों तरफ फैल जाएगा, ये देखिए। इसी तरह से आपको क्या करना है, 2-3 बार काटना है क्योंकि उसके बाद इसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, तो खुद ब खुद ये टहनी ऊपर की साइड से सूख जाएगी और दोबारा इसमें इस तरह के शूट निकलना बंद हो जाएंगे, ये देखिए। इस तरह से आप अपने तनों को बिल्कुल साफ़ कर दें, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से तनों को साफ़ कर दें आप लोग, ये देखिए, छोटे मैक्सिमम छोटे पौधों में इस तरह की कंडीशन रहती है कि इस तरह की टहनियाँ निकलती है, ये देखिए। आप अपने खेतों में इस तरह से सभी टहनियों को पौधों के चारों तरफ से कैंची से काट कर निकाल दें, क्योंकि यदि आप खोद कर निकालोगे तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ये इस साइड की जैसी जड़ें होती है तो उसमें कट लग जाते हैं कसी से, या आप किसी दूसरे औजार से भी तौलिया बनाते हैं तो ये कट नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा कट लगेंगे उतने ज़्यादा इसमें शूट निकलना शुरू हो जाएंगे, ये देखिए। हो सके तो आप ये देखिए, नीचे की तरफ से हमारे पास इस तरह के टहनियाँ हैं, ये देखिए, ये हमने काट ली है। फालतू की जो टहनियाँ होती है ना वो आपको पहले काट देनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ सारी की सारी इसमें चले जाएगी, तो जो हमारा गोबर खाद वगैरह जो भी पड़ता है तो वो ग्रोथ क्या कर, ये नीचे वाली साइड में ही ये वाली टहनियाँ ग्रोथ ले लेती है, ऊपर की तरफ कम ग्रोथ जाती है, इसलिए आप इसको टाइम से कट कर लें। तो मैं भी इसी तरह से हर साल कट करता हूँ, क्योंकि इस तरह से कट करने से काफ़ी अच्छा रहता है, ये देखिए।
इसी तरह से आप अपने तनों को बिल्कुल साफ रख लें। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह के आपके पास बहुत सारे निकलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितनी ज़्यादा ये टहने ग्रोथ लेते रहेंगे उतने इसमें स्केल का भी खतरा रहता है। जैसे कि मैंने पहले आपको एक पेड़ के पास दिखाया तो उसमें स्केल लगने शुरू हो चुकी थी, तो अब जैसे हम इसको टाइम से काट लेंगे तो हमारे जो स्केल है पौधों में वो लगना बंद हो जाएगी। तो आप अपने बगीचे में इस तरह से पौधों के चारों तरफ इस तरह से टहनियाँ काट लें, ताकि हमारे जो खाद, हमने इसको खाद गोबर जो दिया है वो इसके में ही लग जाए, और फालतू की जो हमारे इधर उधर की टहनियाँ हैं उसमें किसी तरह की ग्रोथ ना जाए। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, कुछ टहनों में तो बहुत ज़्यादा निकले हैं, ये देखो। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ एक पौधों में तो बहुत सारी टहनियाँ निकली है इस तरह की, ये देखिए। इसके साथ साथ आपको दोस्तों हमारे खेत में थोड़े से पौधों के चारों तरफ हल्की हल्की सी घास भी दिख रही होगी, तो हम इस घास के लिए अभी क्या करेंगे, अभी हम जैसे ही अभी मौसम बरसेगा तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा गुड़ाई करके ये घास निकाल देंगे, ताकि इसमें किसी तरह का फंगस वगैरह ना लगे, कीड़े वगैरह ना लगे। क्योंकि घास से क्या होता है कि जितने घास नज़दीकी में रहेगा तनों के उतने ज़्यादा बीमारी लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी तो हमारी जो ये ज़मीन है ये बहुत ड्राई हो चुकी है, क्योंकि मौसम अभी लग नहीं रहा है इस वजह से। तो आप क्या करें कि जैसे आपके यहाँ पर बारिश होती है, अच्छे से मॉइस्चर रहता है, तो उसके बाद ही आप इसको हल्का हल्का सा खोद कर या ऊपर ऊपर से इसमें हल्के हल्के से इसको घास को बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल दें, और इसमें बिल्कुल भी घास ना रखें आप, क्योंकि जितना हम ज़्यादा घास रखते हैं उतनी ज़्यादा बीमारियाँ लगती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि घास डाल दो, घास डाल दो, जो तौलिए किए होते हैं उसी घास उसमें डालते हैं, ये गलत तरीका है। इस तरीके को अपनाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। क्यों हो सकता है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसके नज़दीकी में घास डालेंगे तो उतने ज़्यादा इसमें कीड़े पनपने की चांसेस रहते हैं। तो आप इस तरह से ना करें। हाँ, हो सके तो आपके पास जो सूखी घास है उसको आप तौलियों के चारों तरफ से बिछा दें, क्योंकि उसमें कीड़े लगने के चांसेस कम रहते हैं। हरी घास में ज़्यादा कीड़े लगने के चांसेस होते हैं, और लेकिन जो आपकी सूखी घास होती है उसमें आपके कीड़े नहीं लगेंगे। तो आप मल्चिंग कर सकते हैं घास, सूखी घास डालकर चारों तरफ से। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको एक अपने तरफ से एक छोटी सी जानकारी दी, आप भी अपने बगीचों में इसी तरह से इस तरह की टहनियों को काट लें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप इसमें इस तरह से टहनियाँ काट लेंगे तो आपको खुद ब खुद कुछ दिनों में रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ग्रोथ है हमारे पौधों की, जैसे हमारा सैप चल रहा होता है तो ग्रोथ कंटिन्यू ग्रो कर रही होती है। तो इसलिए आप इस तरह की टहनियों में फालतू की ग्रोथ ना दें, क्योंकि यह हमारे लिए ये फालतू की टहनियाँ हैं, इसमें हमारे को कोई ज़रूरत नहीं होती है इस तरह की टहनियों में। तो आप अपने खेतों में इस तरह से पौधों के चारों तरफ इस तरह से साफ़ रखें, और तनों को किस तरह से साफ़ रखना है, और स्केल के लिए हमें क्या करना चाहिए, कि स्केल के लिए भी मैं एक आपको साथ एक वीडियो मेंशन करूँगा। तो मैं जो हमारे डॉक्टर वगैरह होंगे उनसे मैं जानकारी लूँगा, तो तभी जाके आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको स्केल के लिए क्या करना है, जो हमारे जो पौधों के तनों के पास होती है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। हो सके तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।